ओम शांति। आपका मन सदा खुशनुमा रहे, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहे और परमात्मा की आशीर्वाद का हाथ सदा आपके मस्तक पर रहे। आपके साथ आपके किसी रिश्ते ने झूठ बोला तो, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में पति ने झूठ बोला या पत्नी ने झूठ बोला तो कितना स्ट्रेस आता है ना। या बच्चे अगर अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हैं, मेरा बच्चा उसने मेरे साथ झूठ बोला, मेरे पति ने मेरे साथ झूठ बोला, तो सोच सोच कर क्यों उन्होंने मेरे साथ झूठ बोला। हम उनके साथ इतना सच्चाई से चलते हैं, हम उनके लिए इतना करते हैं, फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, क्यों किया, क्यों किया। हम ये कह कह कर बार बार सोच सोच के हम खुद स्ट्रेस में आते हैं, टेंशन में आते हैं, और साथ में बार बार जैसे हम उस परिस्थिति का विरोध करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। जैसे परिस्थिति का विरोध किया वैसे हमारा स्ट्रेस, हमारा टेंशन और बढ़ता गया और मन अशांत हो गया। उसके बजाय एक सिंपल सी बात करो ना, जस्ट स्वीकार करो, हाँ सामने वाले ने झूठ बोला है, कोई कारण हो सकता है, शायद मेरे से डरते होंगे, शायद और कोई बात होगी इसलिए झूठ बोला। स्वीकार करो, एटलीस्ट स्वीकार करने से मन थोड़ा बहुत शांत तो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मन की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ानी है तो ये जो आने वाली बातें हैं, ये जो व्यवहार है अपनों के, कई बार जो दर्द देते हैं, हम उनके बारे में सोचना शुरू करें बहुत सकारात्मकता से। दर्द मिल रहा है माना संकेत है कि मैं जिंदा हूं, समस्या आई है माना संकेत है मैं शक्तिशाली हूं, मैं इस समस्या का सामना कर सकती हूं। सिंपल, अपने मन को समझाओ, परिस्थिति बर्ताव ये तो बाहर से है ना, पर है दूसरे का है, पराई चीज पर अपना अधिकार नहीं होता। विचार मेरे अंदर चल रहे हैं, वो तो मेरे अपने हैं, जो मेरे अपने हैं उस पर मेरा कंट्रोल है। सेकंड, मेरे विचार परिस्थिति के अनुसार नहीं चलेंगे, मेरे विचार मैं जैसे चाहूं वैसे चलेंगे, बिकॉज आई एम क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। तो मुझे परिस्थिति जैसे विचार नहीं करने, मुझे तो अपने नए विचार क्रिएट करने हैं। तीसरी बात, मैं डिस्टर्ब हूं ये बार बार वर्णन करना बंद कर दो, क्योंकि जिस शब्द को आप बार बार यूज करते हो, अटेंशन देते हो, उसी की तो ऊर्जा बढ़ती रहती है और वही ऊर्जा हमारे पास लौट के आती है। तो मैं डिस्टर्ब हूं, स्टॉप। तो फिर चौथा थॉट, और वो थॉट हम कौन सा करें, ये परिस्थिति ये बात मेरे मन को और शांत कैसे रहना है ये पाठ सिखाने के लिए आई है, ये बात
मेरे अंदर के सामना करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए आई है। ये बात मेरे मन के विचारों को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए आई है। जब हम इस प्रकार से सोचना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वीकार करने से मन शांत हो जाएगा, शांत मन सही निर्णय लेगा और एक सही निर्णय आपकी खुशी की यात्रा को जारी रखेगा। हैप्पी डे।